नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए बनाया जा रहा जो किचन है, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग किचन बनाने के दौरान किस तरीका से किचन स्लैब का काम किया जाता है, उसे किस तरीका से किचन प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया जाता है, इसको लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर घर का किचन को किस तरीका से बनाया जाता है, किस तरीके से विंडो देना है, कहाँ पर स्लैब देना है, कहाँ पर सिंक देना है। उसी में अगर आप किचन में ही अगर फ्रिज वगैरह के लिए जगह रखना चाहते हो तो किस तरीके से आपको जगह एलोकेट करना है, सारा जानकारी आज आप लोग को बताने वाला हूँ। आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए इसलिए मैं आप लोग के लिए किचन से बाहर आ गया हूँ। स्टार्ट करते हैं इस बनते हुए घर के लिए जो किचन का काम किया गया है, इसका साइज से किस तरीके से आप घर में किचन बना सकते हो वो सारा चीज़ बताऊँगा। लेकिन पहले साइज से तो देख सकते हो इस किचन को 8 फीट बाई 12 फीट में बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 96 स्क्वायर फीट में इस घर का किचन को बनाया जा रहा है। किसी भी घर का या फिर किचन का जो भी साइज है, स्क्वायर फीट निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को अगर आप फीट में गुना कर देते हो तो स्क्वायर फीट निकल जाता है। ये इजी मेथड है। चलिए देखते हैं अगर किस तरीके से काम किया जा रहा है। यहाँ पर डबल विंडो का प्रयोग किया जा रहा है किचन में। स्लैब वगैरह के बारे में सारा चीज़ बताऊंगा लेकिन पहले जानिए विंडो के बारे में। डबल विंडो देने से फ़ायदा ये होता है, अगर आपके पास दोनों तरफ जगह है तो आप देख सकते हो कि आपको प्रॉपर लाइट मिलते रहता है प्रकृति के द्वारा। इसके साथ साथ आपको जो इसमें धुआं वगैरह होता है उसको भी निकलने में काफ़ी आसानी होता है, जिससे प्रतिकूल जो प्रभाव है वो आपका किचन में पड़ता है, हमेशा खुशनुमा माहौल उसमें बना रहता है। तो देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर डबल विंडो के साथ काम किया जा रहा है। एडजस्ट फैन वगैरह के लिए जगह भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर फैन वगैरह का फिक्सिंग आने वाला दिन में किया जाएगा, स्टेप वाइज आने वाला दिन में बताऊंगा किस तरीके से इसे कंप्लीट किया गया। चलते हैं अब किचन के सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, मतलब किचन का स्लैब के पास, और देखते हैं कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। इसका चौड़ाई को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि जो किचन का प्लेटफॉर्म है उसका चौड़ाई क्या रखना है। तो देखिए यहाँ पर एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ खाली जगह छोड़ा गया है ताकि आप इसमें फ्रिज वगैरह रख सकते हो। हालाँकि ये आपके आवश्यकता के अनुसार होता है कि आपको कहाँ फ्रिज रखना है। बहुत सारे लोग किचन में भी फ्रिज साइड में रख लेते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो स्लैब है उसके जस्ट बगल में इस तरीके से जगह यहाँ पे बनाया गया है। स्लैब यहाँ पे कास्ट नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे आप रख सकते हो, आपके आवश्यकता के अनुसार है किस तरीके से आप बनाना चाहते हो। इसका चौड़ाई को लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। ये देखिए दोनों जो स्लैब है उसका चौड़ाई है वो सेम है। मैं आपको एक जगह पे ले जाकर बता देता हूँ। इसका मोटाई और ऊंचाई के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इसे बनाया गया, लेकिन सबसे पहले जानते हैं इसके चौड़ाई के बारे में। आइए मैं आपको डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो देखिए ये जो स्लैब का काम किया गया है, ये देखिए वहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका चौड़ाई है वो लगभग 23 इंच के आसपास में रखा गया है। कम से कम आपको 20 इंच ही रखना है इसका चौड़ाई, मैक्सिमम आपको 2 फीट तक ले जा सकते हो। मतलब 20 से 24 इंच के आसपास में इसका चौड़ाई को आपको रखना है। ये डिपेंड करता है कि आपका किचन का साइज क्या है। अगर साइज बड़ा है तो आप 24 इंच तक ले जा सकते हो, अगर किचन का जो साइज है वो छोटा है तो आप इसका चौड़ाई को कम भी कर सकते हो। यहाँ पे सिंक देखिए, सिंक जो सबसे बढ़िया साइज रहता है वो 1.5 फीट बाई 2 फीट के आसपास का होता है। रेक्टेंगुलर शेप में बहुत सारे लोग स्क्वायर शेप में भी लगाते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं रहता है, इसलिए हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अपने घर में जो सिंक लगाते हो किचन के लिए वो आपको रेक्टेंगुलर शेप का लगाना चाहिए। उसके साथ साथ वाल मिक्सर वगैरह के लिए देखिए यहाँ पे गीजर वगैरह के लिए पॉइंट है वो दिया गया है। आने वाला दिन में जैसे फिक्सिंग का काम किया जाएगा, इसे कंप्लीट किया जाएगा, आपको दिखाऊंगा बताऊंगा कि किस तरीके से इसे कंप्लीट किया गया। तो इस तरीके से जो स्लैब है इसका काम आप देख पा रहे हो। थिकनेस को लेकर, इसका जो मोटाई रहता है उसको लेकर भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। ज़्यादा मोटा इसको आपको नहीं करना है। इसके ऊपर हम अगर आपको ग्रेनाइट या फिर वे मार्बल वगैरह लगाना है तो 2.5 इंच के आसपास में आपका काम है वो चल जाता है। यहाँ आप देख सकते हो 2.75 इंच के आसपास में इसका मोटाई है वो रखा गया है। मॉड्यूलर किचन बनाते हो तो ये भी आपको स्लैब देने का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपको जो मार्बल मिस्त्री या फिर जो ग्रेनाइट मिस्त्री होते हैं वो डायरेक्ट आपको ग्रेनाइट को ही फिक्स यहाँ पे कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया गया है। ऊंचाई को लेकर बात कर ली जाए तो 32 से 36 इंच के आसपास में आप इसका ऊंचाई रख सकते हो। इसके अंदर में मतलब कम से कम 32, ज़्यादा से ज़्यादा 36 इंच आप ले सकते हो। एवरेज की बात किया जाए तो लगभग 33 से 34 इंच के आसपास में जो इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है महिलाओं का हाइट उसके अनुसार ये सही हाइट माना जाता है। तो इस तरीके से आप 33 से 34 इंच के आसपास में घर का जो फर्श होगा वहाँ से लेकर जो किचन प्लेटफॉर्म का जो टॉप होगा वहाँ तक ऊँचा मैं आप लोग के लिए बता देता हूँ। तो अगर आप अपने घर के महिलाओं को खुश रखना चाहते हो तो किचन को आप बहुत अच्छे तरीके से बनाएगा। अगर कुछ भी गलत हो जाएगा तो फिर आपको आने वाले दिन में कई तरह का ताना मिलने को सुनने को मिलते रहेगा, इसलिए आपको सही से काम है वो करवाना चाहिए, इसका आपको ध्यान है वो देना चाहिए। तो देखिए वास्तु के अनुसार भी किचन को बनाया जाता है। यहाँ पर जो किचन आप देख पा रहे हो ये आपका पूर्व और दक्षिण का जो कॉर्नर होता है आग्नेय कोण पर बनाया गया है। लाइट वगैरह के लिए पॉइंट, फैन वगैरह के लिए पॉइंट भी आपको दिलवाना है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो वो ये लाइट का पॉइंट है, ऊपर में फैन का आपने देखा था। इसके साथ साथ इधर भी लाइट के लिए जो पॉइंट है वो दिया गया है। और ये देख सकते हो इस तरीके से
ग्रिंडर जो मिक्सर वगैरह रहता है उसके लिए यहाँ पे पॉइंट है वो दिया जाता है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार पॉइंट दिलवा सकते हो, स्लैब के ऊपर भी इस तरीके से पॉइंट आप दिलवा सकते हो। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ का ध्यान देना होता है किचन बनाने से संबंधित, कि आपको किस तरीके से किचन बनाना है, किस तरीके से आपका सहूलियत है। सभी का अपना अपना आवश्यकता है, सभी का अपना अपना बजट है, सभी अपने बजट के अनुसार काम करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा स्लैब नहीं दिया गया है। अगर आप चाहते हो तो एक्स्ट्रा स्लैब वगैरह भी लिंटर लेवल के ऊपर में दिलवा सकते हो, दरवाजा के ऊपर, ये बिल्कुल सही जगह है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बनता हुआ किचन देखकर अपने बनने वाले घर के लिए किचन बनाने में काफ़ी मदद होगा। जैसे ग्रेनाइट वगैरह का काम इसको किया जाएगा, कंप्लीट होगा, फिर से आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा किस तरीके से इसे कंप्लीट किया गया। ऐसे बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन वीडियो और किचन का वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।